अदर टाइप के प्रश्नों पर पूछा गया, इस प्रश्न को जो है एनालिसिस कीजिए और डिसाइड कीजिए कि यदि पंचभुज के सामने यदि दो त्रिभुज बराबर हों और यदि दो त्रिभुज बराबर हों चार गोले के, चार सर्कल के, तो फिर यदि हमारे पास एक पंचभुज है और पंचभुज बराबर दो त्रिभुजों के है, पहले बता चुका हूं, और पंचभुज के साथ एक त्रिभुज भी रखा है, तो फिर यहां पर गोलों के रूप में उनको यदि रखना हो, बैलेंस करना हो, जैसे ऊपर दोनों में था, तो फिर कौन सा उत्तर विकल्प सही है? ये पूछा था पेपर एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में। अब ये तो सिंपल दिख रहा है ना कि पंचभुज जो है वो कितने त्रिभुजों के बराबर है, यानी कि यहां पर यदि पंचभुज है तो दो त्रिभुज तो इसके लिए बनाए जाएंगे, ये तो ऊपर के अनुसार ही कह रहे हैं अपन कि जो पंचभुज आकृति है ये बराबर है दो त्रिभुजों के। तो नीचे यदि हमारे पास पंचभुज है इसका मतलब ये दो त्रिभुज होंगे, पंचभुज बराबर होंगे दो त्रिभुज के, और दो त्रिभुज बराबर हैं कितने गोलों के, यानी कि दो त्रिभुज अपन ने बनाए थे उनके लिए गोले हम कितने बना सकते हैं सामने, चार। ऊपर की बात यह, पंचभुज को हमने लिख दिया दो त्रिभुजों से क्योंकि ऊपर पड़ा था, और दो त्रिभुजों के लिए गोले बना दिए चार, ये सेकंड नंबर में लिखा था, मगर यहां पे दो त्रिभुज तो बराबर हैं चार गोलों के, तो फिर एक त्रिभुज और एक्स्ट्रा हो रहा है क्योंकि दो त्रिभुज तो इसके हैं और एक और है, तो अब दो त्रिभुजों के लिए तो चार गोले हैं, तो बताओ एक त्रिभुज के लिए और कितने बनाए, दो बनाएंगे, क्योंकि यदि दो त्रिभुजों के लिए चार हैं तो अगर दो की जगह एक ही त्रिभुज हो तो फिर गोले कितने बनाने पड़ेंगे, दो बनाने पड़ेंगे, तो दो त्रिभुज हैं तो सेम चार गोले बनाए, मगर त्रिभुज तो यहां पे एक दो और कितने हो जाएंगे, तीन, तो तीन त्रिभुजों के लिए जो गोलों की संख्या है वो टोटल कितनी हो जाएगी, छह। तो यहां पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर टिक करना था वो टिक करना था चार नंबर का। अदर टाइप का क्वेश्चन है वाला, कि वैसे नॉन वर्बल भी अपन पढ़ेंगे तो उसमें आकृतियों में ऐसा कोई चैप्टर नहीं मिलेगा। इसके बाद अदर टाइप के क्वेश्चन में एक आपके क्वेश्चन आते हैं कि पांच व्यक्ति, दस व्यक्ति हैं, आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देते हो या फिर हाथ मिलाते हो, इस तरह के प्रश्न। अगर पांच व्यक्ति हैं और यदि पांच अगर पांच व्यक्ति एक दूसरे को गिफ्ट देंगे तो कुल कितने गिफ्ट दिए गए ये बताना होगा। तो हमें केवल पांच को उसके पिछले नंबर से गुणा करना है। कैसे, पूरा बेसिक से समझते हैं इसको अपन। यहां पर पांच व्यक्ति हमने बनाए, पांच व्यक्ति हैं एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, यानी कि एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं या प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को गिफ्ट देता है, अगर ये गिफ्ट देगा इन चारों को देगा, ये जो व्यक्ति है एक नंबर खुद को तो देगा नहीं, पांच व्यक्ति हैं अगर उनमें कोई व्यक्ति गिफ्ट देगा तो पांच व्यक्ति है तो बाकी के चार को देगा, और प्रत्येक व्यक्ति ऐसा करता है कि सबको गिफ्ट देता है, तो इसने भी चार व्यक्तियों को गिफ्ट दिए, ये भी चार को ही गिफ्ट देगा, ये भी खुद को छोड़ के बाकी चारों को गिफ्ट देगा, और पांचों व्यक्ति अगर ऐसा करेंगे तो पांचों जो व्यक्ति हैं अगर वो ऐसा करेंगे, हर व्यक्ति चार को गिफ्ट देगा तो टोटल व्यक्ति पांच हैं, हर व्यक्ति चार जनों को गिफ्ट देगा तो पांच को चार से गुणा कर देंगे तो बराबर उत्तर कितना हो जाएगा, कि टोटल जो गिफ्ट देने पड़ेंगे वो टोटल 20 गिफ्ट लगेंगे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति ने
गिफ्ट दिया हर व्यक्तियों को, कि जो पांच व्यक्ति हैं वो एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। फॉर्मूले में इसको ऐसा करते हैं कि जितने व्यक्ति हैं एन, उसको गुणा हमेशा करना है उसके पिछले नंबर से, एन गुणा एन माइनस वन। अब प्रश्न मान लो अगर पांच की जगह ये दस व्यक्ति होता तो दस गुणा कितने से होता, नौ से। पंद्रह होता तो गुणा चौदह से, क्योंकि हर व्यक्ति जब गिफ्ट देगा तो खुद को छोड़ के बाकी के ले लो, कि पांच व्यक्ति हैं तो प्रत्येक व्यक्ति चार चार गिफ्ट देगा। अगर यही प्रश्न ऐसा आ जाए कि पांच व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बस इस फार्मूले में भाग दो का लग जाएगा, कि फार्मूला ये रहेगा, डिवाइड बाई टू हो जाएगा। क्यों होगा उसके लिए तो फिर बेसिक समझ लेते हैं, कि वास्तव में सामने पांच व्यक्ति रखते हैं और उनकी स्थितियों को समझते हैं। पांच व्यक्तियों को फिर हमने बनाया, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने की प्रक्रिया को समझे यहां पर, कि हाथ मिलाएंगे तो इसने हाथ मिलाया इन चार से, कि कितनी भी लोगों से हम कहीं ग्रुप में जाकर के मिले, हमने सबसे हाथ मिलाया। इस व्यक्ति ने चार व्यक्तियों से हाथ मिलाया था, मगर हाथ मिलाने की प्रक्रिया में ये नहीं होता कि अगर हमने इससे हाथ मिला लिया तो अब ये वापस हमारे पास आए और वापस दोबारा जाकर के हाथ मिलाए। वो गिफ्ट देने वाला पर्सन था, प्रत्येक ने दिए, कि हमने दिया उसने भी दिया हमें, मगर हमने जाकर के हैंडशेक किया, हाथ किसी से मिलाया, तो वो बदला नहीं निकालेगा वो, कि वो ये नहीं है कि क्या आकर के हमसे फिर हाथ मिलाए। अगर हम दोनों के हाथ मिल चुके हैं, हैंडशेक हो चुके हैं, तो यहां पर टोटल इस व्यक्ति ने चार हाथ मिलाए। एक व्यक्ति गया, चार व्यक्तियों से मिला, चार बार हाथ मिलाने की प्रक्रिया हो गई। मगर अब ये जो व्यक्ति हाथ मिलाएगा ना, इसका हाथ इससे तो मिल चुका, ये कितने व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा, तीन से। उसके बाद में ये व्यक्ति का इससे हाथ मिल चुका, अब ये कितने व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा, दो से। और लास्ट में ये व्यक्ति हाथ मिलाएगा, एक से। यानी कि जितने व्यक्ति होते हैं उनसे एक पीछे के नंबर से लगातार घटते हुए क्रम में नंबर जोड़ने पड़ते हैं, कि अगर 10 हैं तो 10 से एक पहले का नंबर 9 लेते हुए लगातार घटते क्रम में जितने भी नंबर है सब जोड़ने पड़ेंगे। तो यहां पर इन सबको जोड़ेंगे तो 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10, टोटल 10 बार हाथ मिलाने की प्रक्रिया होगी, ये आंसर होगा। यहां पर आंसर था 20, हाथ मिलाने की बात आई, आंसर हो गया 10। फॉर्मूले में अगर इसको प्रेजेंट करेंगे तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, फॉर्मूला दोनों का मिलता जुलता सा लगेगा आपको, एन गुना एन माइनस वन इसमें हो जाएगा भाग दो का, डिवाइडेड बाई टू। ये हो गया हाथ मिलाने वाला प्रश्न, और ये हो गया एक दूसरे को गिफ्ट देने वाला प्रश्न। रेगुलर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैंने अदर टाइप को स्टार्ट करते समय कहा था, किसके पढ़ाए गए प्रश्न ऐसे नहीं है कि प्रश्न आपने पढ़े और आप साल भर के पेपरों में ढूंढे तो आपको आसानी से क्वेश्चन मिल जाए, ऐसा नहीं होता इसमें। यही अगर आपने नया वाक्य पढ़ा 100% मिलेगा, कोई सा भी पेपर दे दो आप। आपने कोडिंग पढ़ा, इसके बिना कोई एग्जाम नहीं हुआ। आपने ब्लड रिलेशन पढ़ा, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं। कुछ चैप्टर जरूर किसी समय समय पर ज्यादा चलते हैं, जैसे आकृति गिनना है, वो सारे एग्जाम में नहीं है अभी। कैलेंडर है, सब एग्जाम में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जितने भी साल भर के पेपर देखे हो सब में मिल जाए। कैलेंडर का रेशो रहता है 10 में से 3। कोडिंग का, सीरीज का, रक्त संबंध का, इनका रेशो रहता है 100% कि 10 में से 10 पेपर में। और अदर टाइप का जो रेशो है वो 3 साल में 1 या 2% सबसे कम पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ये अपन ये कह देते हैं कभी कभी पूछे गए प्रश्न हो। अब वापस आते हैं अपन नॉन वर्बल वाला जो पार्ट अपना चल रहा था, जो रीजनिंग का सबसे आसान पार्ट होता है, उस पर आते हैं। पिछली क्लास में कागज मोड़ना और कागज काटने वाले प्रश्न हमने किए थे, आज इसमें छुपी आकृति खोजना। ये प्रश्न, छुपी
छोटी आकृति खोजने में अगर बिल्कुल जो है स्टार्टिंग किसी ऐसे प्रश्न से की जाए कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताना पड़े और केवल चैप्टर का नाम बोलने से आपके समझ में आ जाए, तो ये एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है कि छुपी आकृति खोजने में ये करना होता है कि यहां पर हमें एक प्रश्न में आकृति दी हुई है, इस आकृति को छुपाने के लिए पर तरह तरह की डिजाइनें बनाई हुई हैं, कुछ भी डिजाइन इस पर बना देगा छुपाने के लिए हो, मगर हमें चेक करना है कि ये जो डिजाइन है ये हमें किस उत्तर विकल्प में मिलेगी। तो बड़ी आसानी से दिख रहा है ये प्रश्न का उत्तर, तो कि यहां पर ये वाली जो डिजाइन है ये डिजाइन बड़ी आसानी से इसमें हम देख सकते हैं कौन से विकल्प में मिल जाएगी, है सी के अंदर। सी में इस जगह पर ये डिजाइन आपको मिल जाएगी। इसके बाद यदि ये वाला क्वेश्चन उठाएं कि ये जो दो कर्व हैं ये हमें किस में मिलेंगे, तो ये दोनों कर्व आपको प्रॉपर वे में मिलेंगे डी के अंदर, कि सेम ये डिजाइन और किसी में भी नहीं है, केवल और केवल डी ऑप्शन में है इस जगह पर। त्रिभुज के साथ में एक नीचे की लाइन भी हो तो ये किस उत्तर विकल्प में है, ये सी के अंदर है। ये मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर के, इसलिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिखाए हैं, अब धीरे धीरे इसको टफ करेंगे अपन। इसको टफ करेंगे तो फिर इस साल के आए हुए एग्जाम के कुछ क्वेश्चन पे 2-3 साल में जो पूछे गए उनमें से क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये वाला क्वेश्चन देखें जैसे अपन, कि ये वाला जो चौकोर है ये इन सभी आकृतियों में चौकोर कहां पर छिपा हुआ है, तो ये ए में छिपा हुआ है इस जगह पर। ये है चौकोर इसमें, अगर ये वाला डिजाइन देखें कि चारों ऑप्शन में से ये डिजाइन किस में देखा जा सकता है, सी में डिजाइन देखा जा सकता है, मगर साइज का मैटर रहेगा, इसलिए विद साइज अगर इसको देखा जाए तो ये उत्तर विकल्प आपके होगा ये वाला। पिछले 2-3 साल से छुपी आकृति खोजने के जो प्रश्न आते हैं उनमें आजकल एक लाइन और ब्रैकेट में लिखी होती है कि आकृति ढूंढते समय घूमी हुई आकृति यानी घुमाने की अनुमति नहीं है, कि कोई ये चाहे कि डिजाइन तो मुझे मिल रहा है मगर इस आकृति को घुमा करके ऐसा मिल रहा हो तो क्या उसको उत्तर टिक कर दूं, तो नहीं कर सकते। इस तरीके से 2 साल से आजकल ये नोट अलग से लिखा हुआ आता है कि घुमाने की अनुमति नहीं है। अगर इस डिजाइन को देखें कि गोल और फिर जेड देखें तो ये किस उत्तर विकल्प में मिलेगा, तो गोल के साथ अगर जेड देखते हैं तो ये डी वाले विकल्प में हमें मिल जाएगा इस तरह से। ये तो गोल आकृति हो गई और जेड इसमें दाईं तरफ किनारे पे हो तो ये इस तरीके से हो गया। ये बहुत ही आसान है कि ये हमें इस जगह पर दिख रही है। कई बार प्रश्न इसका उल्टा भी आ जाता है कि जो हिस्सा है वो यहां पे दे दिया हमें और वो हिस्सा इनमें से किस आकृति का है, जैसे कि क्वेश्चन आपके है ये वाला कि आकृति तो यहां पर है और हमें बताना है इस आकृति का हिस्सा इन चारों विकल्प में से किस में है, कि जो इसी आकृति में से भाग निकला हो, चाहे ये हेड निकला हो, ये हेड निकला हो, चाहे सर्कल निकल जाए, कोई सा भी एक हिस्सा, तो इसी आकृति में से जो हिस्सा निकला हुआ है वो 2 नंबर है, 2 नंबर में जो डिजाइन दिखाई गई है वो इस आकृति की है, इस आकृति में ये 2 नंबर की डिजाइन है इस जगह पर, ये डिजाइन बिल्कुल डिक्टो है। बाकी कोई भी डिजाइन अगर हम यहां पे ड्रॉ करना चाहेंगे तो कंप्लीट लाइनों को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, और जिस नोट की मैं बात कर रहा था वो नोट वाला आजकल इस तरह से नोट लिखा हुआ आता है कि घुमाने की अनुमति नहीं है, जैसी डिजाइन है हूबहू देखनी है, ऐसा ना सोच लें कि यहां पर ये डिजाइन है तो इसको घुमा करके देख लें, हूबहू हमें डिजाइन मैच करनी होती है।
छुपी आकृति खोजना जैसे अपन ने किया, वैसे ही इससे मिलता जुलता एक पार्ट होता है आकृति पूरी करना। जैसे छुपी आकृति खोजना चैप्टर के नाम से ही पता लग जाता है कि इस चैप्टर में क्या करना है, वैसे ही आकृति पूरी करने के नाम से भी पता लग जाता है कि इस चैप्टर में क्या करना होगा। आकृति पूरी करनी है और आकृति पूरी करने के लिए यहां पर आकृति के 75% भाग को आपको दिखाया जाता है और 25% हिस्सा आपको चुनना होता है। जैसे पजल गेम होता है, उसमें आपने 75% बना लिया हो और एक 25% टुकड़ा आपको इस हिसाब से दिए गए टुकड़ों में से फिट करना हो कि पजल या आकृति कंप्लीट हो जाए, कुछ उसी तरीके से है। जैसे यहां पर ये इमेज हमें शो हो रही है, प्रश्न में ये तीनों भाग आपको दिए जाएंगे और ये तीनों भाग देखने के बाद में आपको डिसाइड करना है ये वाला भाग जो कि आपको चार विकल्प में दिखाया जाएगा। किसी एक विकल्प में ऐसा भाग होगा जिसको यहां फिट करने से ये डिजाइन कंप्लीट होगी कि ये चौकोर जो पूरा बनाना चाह रहे हैं वो बन पाएगा, या बाकी जगह जो डिजाइनिंग है वो मैच हो पाएगी। क्वेश्चन के रूप में इसको अगर देखें अपन, तो ये क्वेश्चन के रूप में देख लेते हैं, ये 75% हिस्सा भरा हुआ है, इनमें से एक बॉक्स यहां पर फिट करना है जिसको फिट करने के बाद ये डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाए और वो इसके अंदर डी सही है, क्योंकि इसमें जितने भी बॉक्स थे ना वो सारे जिगजैग रेखा बोलते हैं इसको अपन, इसी तरह की जिगजैग रेखा यहां पर भी है। इस डिजाइन को यहां पर भी ड्रॉ करेंगे तो ये डिजाइन कंप्लीट हो जाएगी, सारी लाइनें मैच हो जाएगी। तो ये डिजाइन इस डी वाले हिस्से को वहां पर जोड़कर देखने से, इसके बाद में इस क्वेश्चन को समझते हैं कि अगर ये वाली डिजाइन कंप्लीट करनी हो तो फिर दिए गए उत्तर विकल्प में से किस टुकड़े को रखें, यहां पर ए वाले को। ए में अगर हम ये वाला डिजाइन अगर यहां बना दें तो ये वाली जो पत्ती है ये कंप्लीट होगी, और अगर इस वाली कर्व को बना दें यहां पर तो ये पत्ती कंप्लीट होगी, और अगर ये वाला सर्कल बना दें, इस तरह का कर्व बना दें, तो ये कर्व यहां बनाते ही जो सर्कल इसमें दिख रहा था हमें 75% हिस्से पर वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ए वाला इसके अंदर जो विकल्प है वो सही होगा इस वाले प्रश्न में। यहां पर ये दोनों एक जैसे हैं, थोड़े थोड़े क्या पूरे एक जैसे हैं, तो 100% अगर ये दोनों एक जैसे हैं ना तो फिर आपको ये दोनों एक जैसे चुनने पड़ेंगे। फिर कि डिजाइन बनाई जाती है तो एक सिस्टम के तहत होती है कि आमने सामने सेम रखना है, लेफ्ट राइट सेम रखना है, तो यहां पर ये डायगोनली सेम थे ही है। अब अगर इसको सेम करना तो सबसे आसान तो ये है कि ये सर्कल कंप्लीट होगा, सर्कल कंप्लीट होता है आपका इन तीनों से। अब सर्कल कंप्लीट होने के बाद में ये वाली डिजाइन अगर आपको इधर चाहिए तो फिर इसके लिए जो सही विकल्प होगा वो होगा सी वाला, इसमें सर्कल इससे कंप्लीट हो जाएगा और दो कर्व ये तरीके से लगाने पर ये इससे मैच कर जाएंगे तो ये डिजाइन कंप्लीट हो जाएगी। षष्ठभुज कंप्लीट होते हुए लग रहा है और ये षष्ठभुज कंप्लीट तब हो सकता है जबकि ये लाइन इतनी खींच करके यहां से मिला दें, और ऐसा तभी होगा जब सी के तहत ये लाइन जाकर के यूं इधर मिले, बाकी किसी विकल्प में नहीं ऐसा। इसके बाद ये जो लाइन है ये बीच में जो क्रॉस था ना, इस क्रॉस को करने के लिए ये वाली लाइन है, अगर यहां देखें कि एक तो ये सर्कल कंप्लीट करेंगे और इससे ही वैसे तो आंसर डी हो गया क्योंकि ये सर्कल हमें यहां पर कंप्लीट करने पे दिखाई देता है और बाकी जो तो सब में है ही। ये वाला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस पेपर में 2023 में पूछा गया था,
इस आकृति को कंप्लीट कीजिए जिसमें कि अंदर दो सर्कल और सर्कल में भी डॉट है। एक सर्कल है गलत हो गई होगा, बाकी सब में दो सर्कल है, मगर डॉट इधर उधर हो रहे हैं। अगर डॉट की सही जगह रखी जाए तो दो ऑप्शन में दो सर्कल के साथ डॉट को अंदर दिखाना था, वो इन दोनों में है कि दो सर्कल बनने चाहिए और डॉट उनमें अंदर होना चाहिए, ऐसा इसमें भी है और इसमें भी है, मगर आंसर दोनों में से कौन सा होगा? फर्स्ट वाला, क्योंकि यहां पर कोने हैं उनमें बन रहा है त्रिभुज, त्रिभुज की डिजाइन बन रही है, यानी कि हम जो टुकड़ा जोड़ेंगे उसमें भी कोने पे त्रिभुज ही बनना चाहिए, जबकि इसमें त्रिभुज की जगह उसको चौकोर बनाया गया है, चतुर्भुज बनाया गया है। तो यहां पर सही इसके अंदर फर्स्ट वाले को, बड़ी आसानी से देखा जा सकता है हर चौकोर बॉक्स में त्रिभुज है, मगर उनको रखने का ऐसा तरीका है कि वो सेंटर देखते हैं वो इधर की तरफ, और अगर इसी तरफ त्रिभुज देखता हो तो उसका तिकोना हिस्सा इधर होना चाहिए त्रिभुज देखने का मतलब, और अगर इस तरीके से त्रिभुज यदि देखते हो इधर की साइड पर तो वो उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा? डी वाला। तो छुपी आकृति खोजना और आकृति पूरी करना दोनों ही आसान पॉइंट है। अब इनके बाद में चलो इसका एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो, ये वाला चुप इसका आकृति पूरी करने का। ये दोनों डिजाइन सेम है, एक दूसरे की मिरर इमेज है, केवल इसका ये मिरर इमेज है, वैसे ही इसका भी मिरर इमेज करेंगे और इसका इमेज होगा उसमें निकलते हुए, और अगर ये लाइन इस तरीके से निकलते हुए दिखाई देगी तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? सी, कि इधर के कोने से ये लाइन निकलती हुई हो तो इसका मिरर इमेज हो जाएगा। और मिरर इमेज क्यों किया? क्योंकि यहां नीचे की तरफ लेफ्ट और राइट में जो डिजाइन सेम थी वो आपस में मिरर इमेज थी। चलो अब इसके अंदर जो है नॉन वर्बल का एक ऐसा पार्ट जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी जो हमने दोनों पढ़े छुपी आकृति और आकृति पूरी करना, ये एसएससी प्री के सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। रेलवे के 18 से 20 वाले पेपरों में नॉन वर्बल के इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, मगर 2022 में रेलवे के जितने भी पेपर हुए उनमें नॉन वर्बल को गायब रखा गया, नॉन वर्बल नहीं थी, मगर रेलवे के पेपर में कोई फिक्स नहीं है किन्हीं सालों में नॉन वर्बल है किन्हीं में नहीं है। एसएससी का फिक्स है पैटर्न, इनमें 5 से 7 क्वेश्चन नॉन वर्बल के आते हैं जिसके अंदर मिरर, वाटर, कागज काटना, छुपी आकृति खोजना, आकृति पूरी करना, उसके बाद वर्गीकरण, सादृश्यता और सीरीज, ये एसएससी सीजीएल प्री के नॉन वर्बल में पूछे जाने वाले पार्ट हैं। मगर कुछ पार्ट जो कभी कभी पूछे गए हों उनमें से है ये पार्ट, रेगुलर नहीं है मगर ये, आप घर पे जाके किताबों पे ढूंढेंगे ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, मगर चैप्टर कभी पूछे गए थे तो उसको भी पढ़ना तो है ही हमें। तो इसमें क्या होता है, इसको कहते हैं मैट्रिक्स आरेख। मैट्रिक्स में 3 पंक्तियों में आकृतियों के परिवर्तनों को बताया जाता है, जैसे कि यहां पर इस आकृति के परिवर्तन पंक्ति में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं हमें, और परिवर्तन क्या है? गुणा वाला सिंबल दिखाया गया, यहां पर भी चौकोर में गुणा वाला सिंबल दिखाया गया और इसमें भी डिजाइन में गुणा वाला सिंबल ऐड किया। अब आगे क्या होगा इसके लिए इनको देखना पड़ेगा, इन्होंने स्टार्टिंग की जो डिजाइन थी उसमें चारों तरफ सर्कल लगा दिए, गोले लगा दिए, इसमें भी चारों तरफ गोले लगा दिए, तो हम भी इसमें चारों तरफ गोले लगाएंगे, तो जब चारों तरफ गोले लगाएंगे तो डिजाइन दिखने में ऐसा हो जाएगा, और इस तरीके से हो जाएगा तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फिर? बी वाला। ये पार्ट वैसा ही है जैसा एक चैप्टर हम पढ़ेंगे सीरीज, और सीरीज एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें 3 खाने पंक्ति में होने की जगह वहां पर होते हैं 4, और 4 खानों में आकृतियां परिवर्तित होती जाती है, और चारों खाने में जैसा परिवर्तन रहा
उसके बाद अगला परिवर्तन हमें बताना होता है। कई बार तो इतने इजी क्वेश्चन आते हैं कि केवल डिजाइन जो है वो नंबर के रूप में बढ़ती है कि पहले दो थी, फिर तीन हुई, फिर चार हुई, तो अगली बार पांच हो जाएगी। तो ये थोड़ा सीरीज से मिलता जुलता चैप्टर है। ये इस पंक्ति में आकृतियों का एनालिसिस और यहां एनालिसिस एक जैसा है कि डिजाइन तीन ही तरह की है, या तो त्रिभुज है या गोल है या फिर चतुर्भुज है, चौकोर गोल त्रिभुज। इसमें भी चौकोर गोल त्रिभुज, यहां पर चौकोर हो चुकी, गोल हो चुकी, तो बाहर तो आनी है त्रिभुज। कि तीन डिफरेंट डिजाइन जो फिक्स हैं ऊपर दो पंक्तियों में, गोल त्रिभुज और चौकोर, तो इसमें भी बाहर चौकोर गोल और त्रिभुज को यहां पर सेट करेंगे, अंदर की डिजाइन भी डिफरेंट करेंगे। गोल आ चुका, त्रिभुज आ चुका, क्या आना बाकी है? चौकोर। यहां पर दोनों पंक्तियां यही शो करती है कि डिजाइन वो चुनी जाए जिसमें हर खाने में आकृतियां परिवर्तित हो और वो आकृतियां तीन ही तरह की आपस में परिवर्तित होती रहे, या तो गोल, त्रिभुज या चौकोर। ये भी बड़ा आसानी से समझ आ जाएगा कि आकृति में पहले तो एक, उसके आगे देखा तो आकृति के दो हिस्से भर दिए, और ऐसा ही यहां भी बड़ी आसानी से देख लोगे। और सेम वैसा ही परिवर्तन फिर यहां किया जाए कि आकृति का एक हिस्सा तो भर दिया, अब अगर इसी आकृति के दो हिस्से भरे हुए अगर यहां पर हो तो ऐसा उत्तर विकल्प मिलने में बी भी लग रहा है और सी भी लग रहा है। मगर थोड़ा गौर से देखेंगे तो राइट आंसर सी नहीं होगा, बी होगा, क्योंकि यहां पर भरने में तो एरिया बराबर भरा है मगर यहां पर इसका पार्ट ही नहीं किया गया। तो पार्ट नहीं किया गया तो जो हम ये कह रहे थे कि दो पार्ट भरे जाएंगे, दो भाग, वो दो भाग नहीं है, केवल एक ही भाग कहलाएगा ये। और दो भाग भरे हुए हों तो यहां पर बीच में लाइन होने की वजह से यहां पर ये भी कह सकते हैं वैसे तो डिजाइन तो सेम ही रखनी थी हमें, तो इन्होंने डिजाइन को ही चेंज कर दिया इसमें, तो सी वाला आंसर होगा नहीं। तो यहां पर राइट आंसर इसके अंदर होगा बी वाला इसमें। अब गोले के साथ में कितनी लाइनें होगी? तो गोले के साथ में अब तीन लाइनें होगी, क्योंकि यहां पर भी हर पंक्ति में गोले के साथ दिखने वाली लाइनें हर बार फिक्स है, वो या चार हैं, वो हैं। और ये यहां भी रिपीट हो रहा है लॉजिक कि चार है गोले के साथ लाइन, तीन है या दो है। अब यहां डिजाइन चार आ चुकी गोले के साथ लाइन है, दो आ चुकी, तो गोले के साथ तीन लाइनें अभी तक नहीं आई, तो इसमें सही उत्तर टिक कर देंगे ए वाले को इसमें। यहां पर आकृतियों का एनालिसिस किया जाए तो पंक्ति में कुछ बढ़ता हुआ या घटता हुआ नजर आएगा, चाहे वो पत्तियों का क्रम देखें, चाहे वो चिड़िया के पास रखे हुए दानों का क्रम देखें, एक क्रम में बढ़त या घटत हमें दिखाई देगी। यहां चिड़िया के बाद में तीन दाने हुए, पत्तियों की संख्या यहां पांच थी, यहां चार है और यहां तीन है। यहां कब खाली है, यहां कब पूरा 100% भरा है? अब अगर यही क्रम चलता रहे तो खाली से पूरे भरे के बीच में क्रम बनता है आधे का, और आधे भरने की अगर स्थिति होगी तो आधे भरने की स्थिति किस उत्तर विकल्प में है? बी के अंदर है। अगर दो खाने मिला दिए जाएं, अगर कि जैसे H है और E है,
अगर एच पर ई रख दें कि जो एच है ये वाला, इस पर अगर मैं ई बना दूं तो डिजाइन ऐसी बनेगी। इन दोनों को मिलाने पर ये डिजाइन, वही लॉजिक यहां है कि अगर ये की बॉक्स में देखें तो ये दिखाई देंगे ऐसे भरे हुए। अगर ये 50% दाईं तरफ का भरा हुआ और ये 25% बाईं तरफ नीचे का भरा हुआ, अगर इसको उठा के यहां रख दें तो ये दिखेगा ऐसा भरा हुआ। और अगर इस भरे हुए हिस्से पर यदि ये दोनों उठा करके यहां रख दें तो ये दिखाई देगा ऐसा, क्योंकि कुछ चीजें ओवरलैप होगी, जैसे कि यहां एच और ई में भी कुछ लाइनें ओवरलैप होती हैं, आपस में सेम होती हैं। वैसे ही अगर इस भरे हुए भाग पे अगर इसको उठा के रख देंगे तो जैसे इसको यहां रखेंगे तो ये कंप्लीट ही 100% ब्लैक हो जाएगा। तो आंसर होगा डी। और इसी लॉजिक से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि यदि एच पर ई को रखते हैं तो इसमें जो कॉमन लाइन है वो सामने दिखा दी जाती है। जैसे एच और ई में कॉमन क्या होता है, अगर ये देखें अपन, तो एच और ई में कॉमन होती है ये लाइन। एच और ई में कॉमन लाइन होती है बीच वाली, ये सेंटर वाली लाइन। अगर हमें एच और ई के लिए अगर ये डिजाइन दिखाएं और फिर यदि अगले खानों में लुप्त खाना अगर चूज करना हो तो उसके लिए एक एग्जांपल जो है, कि अब इसको सोचना ज्यादा आसान होगा क्योंकि ये जो जिस लॉजिक पर है वो लॉजिक मैंने आपको पहले एच और ई के मिश्रण को करके बताया था कि उनमें कॉमन क्या था। वैसे ही एच इन दोनों डिजाइनों में जो कॉमन है, तो सर्कल को वहां रखा गया, मगर अंदर के भागों से जो कॉमन है ना वो है ये वाली। तो पंक्ति में दोनों खानों में जो कॉमन कर्व थे, लाइन थी, वो तीसरे में दिखाई। सेम एग्जांपल यहां भी है, इस बार गोला तो दोनों में है नहीं, केवल निकलती हुई ये लाइन। तो अगर इसी नियम के तहत इन दोनों का कॉमन हिस्सा अगर उत्तर में चुना जाए तो वो चारों ऑप्शन में से क्या होगा, वो तो वो इसके अंदर होगा सी, क्योंकि दोनों में यहां पर कॉमन है केवल ये डॉट, क्योंकि कर्व तो कॉमन नहीं है, एक कर्व लेफ्ट साइड जा रहा है एक कर्व राइट साइड जा रहा है। तो यहां पर दोनों डिजाइन में जो कॉमन है वो है सी वाला, ये डॉट। इसी तरह के लॉजिक पर कि जब एक खाने और दो खाने को मिलाकर के देखते हैं तो एक तो मिला के देखना उसका देख लिया हमने, एक खाने और दो खाने पे डिजाइन को मिलाने पर जो कॉमन है वो देख लिया। अब अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आएगा उसमें ये होगा कि दोनों खानों को मिलाने पर जो कॉमन डिजाइन है उसको हटाएं और जो बचा है उसको रखें। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा था, एच पर यदि ई को रखा जाए तो एच और ई में कॉमन जो एरिया था वो मैंने अभी बताया था, ये लाइन दोनों में होती है, ऐसे ही मिडिल की ये लाइन दोनों में होती है। अगर कॉमन को हटा दें तो क्या बचेगा, तो कॉमन को अगर हटा दें तो एच में तो ये लाइन बचेगी, इसकी बात की मैंने, और ई में बचेगी ये दो लाइन। अब आपके पास अगले प्रश्न में ये लॉजिक होगा। अगले प्रश्न के लॉजिक को पहले ही हिंट कर दिया एक ही एग्जांपल से, जिससे कि हमने तीन क्वेश्चनों को किया है या कर रहे हैं हम। H और E में कॉमन लाइनों को हटा दें तो जो बचे हुए हिस्से हैं उसे अगले खाने में देखना। तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं स्क्रीन पर, ये वाला कि यहां पर जो है दोनों में कॉमन जो होगा
तो आप देखेंगे कि ये वाली जो डिजाइन है ये गायब हो चुकी है, इसमें जो दोनों में थी उसको हटा दिया। इस वाले डायग्राम और इस वाले डायग्राम में बची ये वाली, दोनों खानों में जो कॉमन डिजाइन था उसको तो हटा दिया और जो बचा हुआ था उसको वहां पे दिखा दिया। वैसा ही इसमें भी देख सकते हैं कि ये पत्ती दोनों में है तो यहाँ गायब है, ये वाली पत्ती भी दोनों में है तो ये गायब है। अब इसकी बची हुई ये पत्ती और ये पत्ती ये यहाँ दिखाई थी। अब अगर इन दोनों के कॉमन एरो जो कि ऊपर की तरफ के एरो हैं और एक लेफ्ट साइड वाला एरो है, अगर कॉमन एरो को हटा दिया जाए तो फिर आपके पास इधर से तो बचेगा ये एरो और इधर से बचेगा ये वाला एरो। और इस तरह से अगर दो एरो दिखाई देंगे तो सही उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा? सी वाला। इस तरीके से कई बार आपके किन्हीं दो खानों को मिलाने पर जो लॉजिक है वो आ जाते हैं, चाहे वो मैट्रिक्स आरेख हो, या मैंने कहा मैट्रिक्स आरेख के रूप में तो कम आते हैं मगर सीरीज चैप्टर में इस तरीके से लॉजिक देखने को मिलेंगे जब पंक्तियों में लगातार खाने किसी क्रम को प्रदर्शित करेंगे। ये क्वेश्चन इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन आईएएस के 2019 पेपर में आया था मैट्रिक्स आरेख से, क्योंकि मैट्रिक्स आरेख के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते नहीं है। इसमें एरो तरह तरह के थे, सिंगल लाइन के साथ एरो कि भाई एक लाइन है और यहां पे दो है। अगर को देखें साथ दो के साथ तो वो चीज यहां तीन के, दो के साथ, तीन के साथ आ चुका, एक के साथ आ चुका, तो एरो अब आएगा दो वाला। एरो दो वाला आएगा तो इस बार ज्यादा फायदा हुआ नहीं क्योंकि तीनों आंसर में यहां दो है, केवल एक ही उत्तर विकल्प काट सकते हो। तो पीछे की साइड डिजाइन देख लें तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा कि पीछे वाली डिजाइन गोल होगी, आयत होगी या खाली होगा। तो ऊपर देखा तो गोल था, खाली था, गोल था, आयत था, खाली था, आयत आ चुका, खाली आ चुका, गोल बाकी है, तो राइट आंसर इसके अंदर कौन सा टिक कर देंगे? अमन ए वाला टिक कर देंगे। आज तो ऐसा करते हैं, नॉन वर्बल के यहीं तक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बिंदु स्थिति एक और चैप्टर है और इसके आगे फिर अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर चालू हो जाएंगे जैसे कि सादृश्यता वर्गीकरण, ये देखेंगे अपन। या फिर कल ऐसा भी कर सकते हैं अपन कि एक चैप्टर जो पिछले दो साल में काफी आ रहा है चिन्ह निष्कर्ष वाला, या तो वो वाला स्टार्ट कर लेंगे कल। आज इतना ही करते हैं, बाकी करते हैं फिर कल की क्लास में।